शांति, ओम शांति। आज की तारीख है 8/3/12 और आज की ज्ञान मुरली का हेडिंग है तकदीर बनाने वाले भाग्य विधाता शिव बाबा ब्रह्मा बाबा के द्वारा कहते हैं, मीठे बच्चे तुम्हें अपनी तकदीर कैसी बनानी है। हाँ, बाबा कहते हैं हीरे जैसी बनानी है, पुरुषार्थ कर बाप से स्वर्ग का पूरा पूरा वर्षा लेना है। प्रश्न है, कौन सा राज बुद्धि में अगर युक्ति युक्त बैठ जाए तो अपार खुशी रहेगी। हाँ, वो राज की बात सदैव बुद्धि में याद रखें तो फिर सदैव खुशी भी रहेगी। उत्तर है ड्रामा का राज। हाँ, ये जो बेहद का ड्रामा है जो हम आत्माएं सतयुग से लेकर के कलयुग के अंत तक इस सृष्टि रूपी रंग मंच पर खेलते हैं, उसका राज बुद्धि में रखेंगे तो अपार खुशी रहेंगी। तो इस ड्रामा में हर एक्टर को अविनाशी पार्ट मिला हुआ है जो बजा नहीं है। ये पार्ट हम सभी को मिला हुआ है तो हमें बजाना है। कोई का भी पार्ट घिसता व मिटता नहीं। हाँ, हमारे पार्ट की रिकॉर्ड, हाँ हमारे नाटक का रिकॉर्ड कहो, सीडी कहो, कैसेट कहो, पेन ड्राइव कहो, हाँ हार्ड डिस्क में भरे हुए कहो, जो भी है, हमारा पार्ट कभी भी घिसता व मिटता नहीं। बनी बनाई बन रही, इसमें हेर फेर कभी हो ही नहीं सकती। हाँ, ये बना बनाया ड्रामा है, इसीलिए ये कभी भी बदली नहीं होता। कल्प पूरा होगा तो फिर से वही पार्ट सेकंड बाय सेकंड रिपीट होगा। जैसे ही कल्प पूरा होगा फिर से वह नाटक शुरू होगा। जैसे कोई पिक्चर होता है, जितनी उसके समय की अवधि होती है वह पूरी होते फिर से वह रिपीट होता है। तो ये बहुत गुह्य राज है, जो युक्ति युक्त बुद्धि में बैठे तो खुशी रहे। युक्ति युक्त बाबा क्यों कहते हैं, क्योंकि कई युक्ति युक्त नहीं समझते तो क्या उल्टा सोचते हैं कि ड्रामा में होगा तो मैं पुरुषार्थ करूंगा, ड्रामा में होगा तो मुझे पद मिलेगा, मेरी तकदीर में होगा उतना मैं करूंगा, तो फिर तकदीर के सहारे वो पुरुषार्थ में ढीलापन लाते, अलबेलापन लाते, तक पुरुषार्थ में सुस्त बन जाते और जो करने का है वो करते नहीं। तो बाप में निश्चय पूरा रख कर पूरा वर्षा लेने का बाबा कहते हैं पुरुषार्थ करो। गीत बजा है, तुम्हें पाके हमने जहाँ पा लिया है, जमी तो जमी आसमां पा लिया है। धारणा की बात बता रहे हैं, पुरानी दुनिया को देखकर लट्टू नहीं बनना है। हाँ, अक्सर क्या होता है, पुरानी दुनिया की अच्छी अच्छी चीजें, ऊंची चीजें, या कोई जो चीज कभी न देखी हो वह चीजें, या फिर विजातीय आकर्षण की व्यक्तियां, यह देखकर क्या होता है, उनको देखकर कई लट्टू बन जाते हैं, अर्थात प्रभावित हो जाते हैं, आकर्षित होते हैं। तो बाबा कहते हैं आकर्षित नहीं होना है, वो आकर्षण अपने ऊपर
हावी करने वाले को कहते हैं लट्टू बनने वाले। तो लट्टू नहीं बनना है, अपनी बैग बैगेज ट्रांसफर कर देनी है। हाँ, अपना बैग बैगेज कौन सा? अपनी कमाई का जो बैग एंड बैगेज है वो ट्रांसफर करना है। अपना सब कुछ इंश्योर कर देना है, जो भी हमारे बैग बैगेज में हमने जमा किया है, समेट के रखा है, समा के रखा है, संभाल के रखा है, बाबा कहते हैं वो सब ट्रांसफर करके हमें बाबा की बैंक में अर्थात अपने लिए जमा कर देना है। नंबर दो है, कोई भी वस्तु में अगर ममत्व नहीं है तो फिर कौड़ी से हीरा जैसा बनने की सेवा करनी है। दान करने से ही ज्ञान धन बढ़ेगा। अगर ममत्व होगा तो क्या करेंगे हम? कौड़ी से हीरे जैसा बनने की सेवा नहीं करेंगे। माना अपना सब कुछ बाप को समर्पित कर हम सेवा में अपना समय नहीं देंगे, सारा समय हम जहाँ हमारा ममत्व है वहाँ देंगे। अच्छा वरदान है, पावरफुल ब्रेक द्वारा सेकंड में व्यक्त भाव से परे होने वाले अव्यक्त फरिश्ता व अशरीरी भव चारों ओर आवास का वायुमंडल हो, लेकिन आप क्या करो, एक सेकंड में फुल स्टॉप लगाकर व्यक्त भाव से परे हो जाओ, एकदम ब्रेक लग जाए, तब कहेंगे अव्यक्त फरिश्ता व अशरीरी। अभी इस अभ्यास की बहुत आवश्यकता है, क्योंकि विनाश होने लगा है, तो हमें विनाश को फेस करने के लिए उस समय अपनी स्थिति बनानी है, तो वो स्थिति हमें पहले से बनानी है। तो ये समय की डिमांड है, क्योंकि अचानक प्रकृति की आपदाएं आई हैं, और अब जिनके पास नहीं आई हैं, उनके पास भी नंबर वार आएंगी, तो उस समय बुद्धि और कहां भी न जाए, बस बाप और मैं। बुद्धि को जहां चाहे लगाना वहां लग जाए, और ऐसे विपरीत समय पर हम बुद्धि को कहां लगाना चाहेंगे? अशरीरी होकर बाप की याद में लगाना चाहेंगे, तो वो हमारी बुद्धि उस समय बाप की याद में लग जाए। इसके लिए समाने और समेटने की शक्ति चाहिए, तब उड़ती कला में जा सकेंगे। स्लोगन है, खुशी की खुराक खाते रहो तो मन और बुद्धि शक्तिशाली बन जाएंगे, क्योंकि खुशी भी हमारे अंदर शक्तियां भरती है, तो इसीलिए खुशी की खुराक खाते रहें। अच्छा मीठे मीठे सिकिल दे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग, रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते नमस्ते। हम रूहानी बच्चों का रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। ओम शांति, ओम शांति।